मुझे उम्मीद थी कि आज जब मैं इस प्रेस वार्ता के लिए आ रहा हूँगा तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार डिपार्टमेंट पूरे दिल्ली में थैंक यू मोदी जी के पोस्टर जरूर लगाएगा, पर लगता है आज संडे है तो वो छुट्टी पे है। पिछले 60 दिनों में पेट्रोल के दाम 10 रुपये बढ़ा दो और फिर पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी आप 8 रुपये घटा दो। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। वो कौन सा गणित है कम करने का जिसमें 60 दिनों में डीजल के दाम में आप पिछले 60 दिनों में 10 रुपये बढ़ा दो और 7 रुपये कम कर दो? ये कौन सा गणित है? ये तो एक 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 मुझे बड़ा एक रोचक किस्सा याद आता है कि एक दुकान पे हमेशा सेल लगी हुई होती थी, तो हमने पूछा उससे कि भाई साहब ये सेल आपके 2400 घंटे 365 दिन सेल क्यों? बोले पहले बढ़ा देते हैं फिर सेल दे देते हैं, तो पहले 25% बढ़ा दो फिर 15% सेल दे दो फिर 10% तो फिर भी आ गए हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, और उसके लिए देश को बोलना थैंक यू मोदी जी कि आपके पास ऐसा हुनर है कि आप चीज को घटा के भी बढ़ा देते हो। क्या बात है? मैं पेट्रोल पर केंद्र सरकार 9 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लेती थी, जो आज मई 2022 में कम करने के बावजूद भी 19 रुपये 90 पैसे है। ये सफेद झूठ है। मतलब 2014 की तुलना में पेट्रोल पर आज भी केंद्र सरकार 10 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी ज्यादा ले रही है, अर्थात जो 2014 में एक्साइज ड्यूटी थी उससे दोगुनी से भी ज्यादा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मोदी जी लगाओ पोस्टर थैंक यू मोदी जी के, तो गैस पे भी थैंक यू तो बोलना पड़ेगा। मई 2014 में गैस सिलेंडर, और यहाँ पे उज्ज्वला नॉन उज्ज्वला वो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, गैस सिलेंडर देश के हर व्यक्ति को मिलता था 414 रुपये में। आज उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस सिलेंडर मिल रहा है कम करने के बावजूद 803 रुपये में, अर्थात लगभग दोगुने आपने गैस की कीमतें कर दी, और वो भी सिर्फ उज्ज्वला के लिए। नॉन उज्ज्वला के लिए तो 1003 ही है। इसके लिए भी थैंक यू मोदी जी, हमारा भी थैंक यू स्वीकार कीजिए कि आपके पास इतना बड़ा हुनर है कि आपने गैस की कीमतें कम करने के बावजूद भी दोगुनी बढ़ा दी। दिस इज एन आर्ट दैट यू आर रिड्यूसिंग बट स्टिल इट इज इंक्रीजिंग। सफेद कपड़ा ओ, ओ! फिर वित्त मंत्री जी ने एक और आंकड़ा दिया, बोला इन्फ्लेशन महंगाई हमने बढ़ने नहीं दी, कोई भी आवश्यक वस्तुओं के दाम हमने बढ़ने नहीं दिए। वित्त मंत्री जी प्याज तो आप नहीं खाती, आपने हम देश को बताया, पर गर्मी में नींबू की शिकंजी तो कभी कभार पीती होगी मैडम? शिकंजी 300 रुपये प्रति किलो नींबू बिका है, देश में नींबू 300 रुपये किलो बिक गया, और वित्त मंत्री जी कह रही है कि हमने महंगाई नहीं बढ़ने दी। हमने 8वीं क्लास के ट्रिक्स हैं ये, 8वीं के गणित में यही सवाल आते हैं कि किसी वस्तु का, राम ने एक वस्तु 20% बढ़ा के 15% डिस्काउंट दे दिया तो राम को कितना फायदा हुआ, ये 8वीं क्लास में हम पढ़ते थे और आज भी पढ़ाए जाते हैं। ये ट्रिकरी देश के सामने ना रखे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जो आपकी प्रवृत्ति है ना कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए पहले पंडित नेहरू को ढूंढ लो, पंडित नेहरू नहीं मिल रहे तो इंदिरा गांधी राजीव गांधी को ढूंढ लो, वो भी वहां पे नहीं मिल रहे तो कोई विदेशी ताकतों को ढूंढ लो, वो भी नहीं मिल रहे तो बोल दो स्टेट जिम्मेवार है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कोरोना मिसमैनेजमेंट स्टेट जिम्मेवार, ऑक्सीजन की किल्लत स्टेट जिम्मेदार, रेमडेसिविर की किल्लत स्टेट जिम्मेवार, महंगाई स्टेट जिम्मेवार, कोयला बिजली घरों में क्यों नहीं पहुंच रहा स्टेट जिम्मेदार। तो मुझे ये बताओ कि केंद्र सरकार की क्या जिम्मेवारी है?
क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी गर्मी के मौसम में यूरोप के देशों का भ्रमण करना और वहाँ पे 3 दिन में 16 जैकेट चेंज करना ही है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते।